बैंक में नकली सोने के गहने गिरवी रख करोड़ों का लगाया चूना। 32 लोगों के खिलाफ बैंक प्रबंधन दर्ज कराई FIR। बता दें, 2 साल पहले जिन बैंक में सोने के गहनों को गिरवी रख करोड़ों रुपए लोन के तौर पर ली गई थी, वह सभी सोने के गहने नकली निकले। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोन की किस्त बैंक को मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद गिरवी के तौर पर बैंक में रखे गए सोने के गहने को नीलामी के लिए निकाला गया। गहनों की वैल्यू लगाने के दौरान सोने के गहने नकली पाए गए। बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत मामले में सामने आई है बैंक के द्वारा कुल 32 लोगों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनमें से 4 बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह मामला जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा की है। 3.5 किलो नकली सोने के गहने को गिरवी रखकर बैंक को करीब 28 लोगों ने 1.24 करोड़ का चूना लगाया। इस धोखाधड़ी की घटना में बैंक के 4 कर्मी भी शामिल हैं। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में अलग अलग करीब 28 लोगों ने नकली सोने के गहने को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया था। सोने के गहने गिरवी रखे लोगों में बैंक को किस्त भरना बंद कर दिया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बैंक में गिरवी के तौर पर रखे सोने के गहने को नीलामी के लिए वैल्यू लगाई जानी थी। इस दौरान पता चला कि सभी गहने नकली हैं। बैंक प्रबंधक विश्व प्रताप सिंह ने मामले की शिकायत सरायढेला थाना की पुलिस से की है। मामला कुछ ऐसा है कि हमारे बैंक से कुछ कस्टमर्स को गोल्ड लोन दिया गया था, तो जिनके खाते NPA हो गए थे। NPA हो जाने के बाद हमने उन पर प्रक्रिया करना शुरू किया। हमने उन्हें नोटिस देकर फिर से नीलामी करने के लिए फिर से वैल्यूएशन करवाया। तो दोबारा जब हमने दूसरे वैल्यूअर के थ्रू वैल्यूएशन कराया तो उसमें हमें आभूषण नकली पाए गए। उसी विषय में ये FIR की गई है। इसमें पुराने जो वैल्यूएशन हुए थे उन वैल्यूअर्स को भी इन्वॉल्व किया गया और उन कस्टमर्स को इन्वॉल्व किया गया। 28 कस्टमर्स हैं जिनके 42 अकाउंट्स हैं और 3 वैल्यूअर्स हैं। और एक बैंक कर्मी के भी वो उन 28 बोरोवर्स में से वो भी एक बोरोवर था। वो हमारे बैंक में पहले BC का कार्य किया करता था, लोकेश श्रीवास्तव। कितने का लोन था सर इन लोगों? इन सभी का मिलाकर 42 अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के अराउंड का अमाउंट इन्वॉल्व है। मामला हमने दर्ज करवा दिया गया है। अनुसंधान जारी है, हमारे बैंक की तरफ से भी अनुसंधान जारी है और थाने में भी हमने FIR कराया है। उन्होंने भी वो भी अपने प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। सारे लोन्स अराउंड 2022 और 2023 के हैं। 2022 पूरे ईयर के और 23 के एक दो महीने के, जनवरी फरवरी के अराउंड के होते हैं। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बेसिस पे हमारे बैंक ही उनको अपॉइंट करती है, इम्पैनल करती है, जो कि जोनल ऑफिस के थ्रू इम्पैनल होते हैं। देखिए, बैंक में वैल्यूअर को हम लोग इम्पैनल तो कर लेते हैं, ठीक है, बट वी डोंट नो अबाउट द वैल्यूअर्स कि वो है क्या कर रहे हैं या उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। इसके बारे में ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं या किनकी गलती है किनकी नहीं। प्रोसीजरल लैप्सेस हो सकते हैं, वो भी पता चलेगा। सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है। अभी हमें बस ये जो मिला है, जो केस मिला है, इसके बारे में ही हमने जानकारी है, बाकी प्रक्रिया में पता चलेगा। टर्न अप हुए हैं, मतलब कुछ मिले तो हैं हमें, बट रिपेमेंट्स के लिए टर्न अप नहीं हुए हैं। जी जी, बाकी देखा जा रहा है सर।